हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सो आज है डे 28 ऑफ 30 डे चैलेंज। अब बस 2 दिन और बचे हैं, सो ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले पहुंची लाइब्रेरी और उसके बाद मैंने ना ऑलरेडी अपना टू डू लिस्ट बना लिया था, तो आज पूरे दिन में आप देख लो इतना सारा कुछ करना है। मुझे बायोलॉजी का रिवीजन करना है, प्लांट किंगडम का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जेनेटिक सेकेंड का, एवोल्यूशन का, माइक्रोब्स का, ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम का। इनको पहले एनसीईआरटी से रीड करना है, फिर उसके बाद इन दोनों चैप्टर्स के पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं, और उसके बाद रोटेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट सेकेंड, थर्मल के 14 लेक्चर 15 लेक्चर 16 लेक्चर, 3 लेक्चर जो है वो रिवाइज करने हैं, और उसके बाद पूरा थर्मल फिजिक्स 16 लेक्चर तक रिवाइज करना है। ठीक है, और आईओपैक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया तो उसे रिवाइज करना है, एंड यूवीटीएस के 200 क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने ना अपना स्लॉट फर्स्ट जो है वो 7:30 से 10:30, और स्लॉट सेकंड 10:30 से 1:30, स्लॉट थर्ड 1:30 से 3:30, स्लॉट फोर 3:30 से 6:30, और स्लॉट फाइव 6:30 से 7:30। पूरे 12 आवर्स का स्लॉट बना लिए हैं सारा। और एज यूजुअल हमेशा बायोलॉजी से स्टार्टिंग करते, तो अब उसमें भी हम सबसे पहले ये वाला चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला। सो चलो इसको रिवाइज करते, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली इट्स डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ये कौन सा है, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर। सो चलो इसको याद करते हैं, इसको बहुत सारी चीज़ों को याद भी करना होता है, तो चलो याद करते हैं। पता नहीं यहाँ पे कौन सा फिल्टर यूज़ हो गया, बट इट्स ओके। इट्स ऑल्सो कम्प्लीटेड, एंड करेंटली जो टाइम हो रहा है वो 9:50 हो रहा है। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। अब उठाते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। ठीक है, सो उसमें भी देखते हैं कौन सा वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। बताती हूँ, रुको भाई, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, डेटाबेस भी है, तो हमको इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते हम बहुत ज़्यादा थकने वाले हैं। ठीक है, सो चलो अब इसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जिसको आधा ही कंप्लीट किया था, वो मेरे को भूख लग गई, फिर उसके बाद मैंने अपना लंच किया और फिर मैंने पूरा चैप्टर को फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। सीरियसली ये चैप्टर ने तो मेरी हालत ख़राब कर दी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये करते करते ना 12 बज चुके थे। ठीक है, और मेरा ये वाला जो चैप्टर था वो मैंने पूरा रफली अच्छे से कवर कर लिया था, और फिर मैंने सोचा इसको बंद करते, भाई बायो को तो अब टच भी नहीं करना है कुछ टाइम तक। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उठाया अपना ये टू डू लिस्ट। यहाँ पे मेरा कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और जेनेटिक सेकंड। ठीक है, और मैंने कहा अब भाई बायो तो नहीं करने वाले, अब ऐसा करते हैं कि रोटेशन का एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड करेंगे, और यहाँ पे हमारा स्लॉट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। सो स्टार्ट करते हैं रोटेशन फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली ये कंप्लीट हो गया है भाई, काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया इस पर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लो 2:30 बजने वाले हैं, और मैंने सारा जो भी रोटेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थी वो मैंने पूरी की पूरी सॉल्व कर ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ, सो अभी देखते हैं क्या करना है। ओके, अब मेरे को करना है थर्मल के पहले 13 लेक्चर 14 लेक्चर 15 लेक्चर, और यहाँ पे हमारा स्लॉट सेकंड भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, 1 घंटा बचा है, तो मैंने कहा स्लॉट थर्ड भी लगा देते हैं, सो उसे भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 3 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं करने जा रही हूँ थर्मल फिजिक्स के पहले 3 लेक्चर 13 14 एंड 15, उसके बाद सारा रिवाइज करेंगे पूरा फर्स्ट से। ठीक है, ठीक है, वही बता रही हूँ 13 14 15। ओके,
एंड फाइनली यार ये कंप्लीट कर लिया जैसे तैसे, और पूरी एनर्जी जो थी पूरी ड्रेन आउट हो चुकी थी अच्छे तरीके से। फिर हम जूस वगैरह पीने के लिए गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ठीक है, हाँ आपसे तब तक एक बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं, पहले मैं जो सोच रही थी कि आकाश की टेस्ट सीरीज जो है उसे ऑफलाइन स्टार्ट करते हो, बट हाँ हमारे यहाँ तो PW भी है, उसका मैंने सेंटर देखा हमारे सिटी में है, तो अब हम सोच लिए हैं कि ऐसा करते हैं कि उसे ही ज्वाइन करते, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एकदम रियल फील देगा। तो उसके बारे में डिटेल में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम वापस आए तो हमारा यहाँ पे स्लॉट 4 जो है वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन थर्मल का 14, 15 एंड 16 लेक्चर ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिए थे नोट से ही अच्छे से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। फिर उसके बाद हम सोचे कि अब ऐसा करते हैं, ये सब बाद में करते हैं, पहले ये दोनों चैप्टर को रिवाइज करते हैं, उसके बाद PYQ सॉल्व करते हैं। तो फिर मैंने उठाया 315 के समथिंग से ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर, इसको रिवाइज करना स्टार्ट किया, और उसी के साथ साथ ना हम इकोसिस्टम को भी रिवाइज़ कर लिए थे। उसके बाद दोनों चैप्टर जैसे रिवाइज़ हो गए फिर हम टेस्ट देना स्टार्ट किए थे, ठीक है। सो चलो अब ऐसा करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड 6:20 तक ये सारे हमारे चैप्टर ये दोनों कंप्लीट हो चुके थे। फिर उसके बाद फिर हम सोचे इसको करते हैं बंद, निकालते हैं जिससे हमें PYQ सॉल्व करने हैं। तो मेरे पास ये PYQ वाली जो बुक है वो रखी हुई थी, तो हम डिसाइड किए कि हम ऐसा करते हैं, हम इसी से रिवाइज PYQ सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल वगैरह तो अभी है नहीं इस वक्त जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसी वाली बुक से PYQ सॉल्व करने जा रहे हैं, और देखो कितना गलत तरीके से पेज को उलट पुलट रहे हैं, जबकि पता है कि पीछे ही होगा। सो चलो कोई नहीं गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको कंप्लीट करना, ओके। एंड फाइनली ये हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक फर्स्ट टॉपिक सेकंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वो सबके कर लिए, और हमारा यहाँ पे स्लॉट 4 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब टू डू लिस्ट में देखते हैं क्या बचा है गाइस। हमारा ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का और इकोसिस्टम का NCERT रिवाइज कर लिया था, और PYQ भी सॉल्व कर लिए थे। अब बचा है UVTS के 200 क्वेश्चन, बाकी ऐसा टाइम तो है नहीं मेरे पास कि हम और कुछ भी रिवाइज करें। तो यहाँ पे हमने UVTS 200 क्वेश्चन आपके सामने ही सारे सॉल्व करे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए थे हमारे घर पे, ठीक है। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी, ओके बाय, टेक केयर।